घनसाली के सेंदुल में एक मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें एक दंपति काल के गाल में समा गया और अपने पीछे छोड़ गया दो मासूमों को। आखिर अब उन अनाथ बच्चों का क्या होगा जिन्होंने ढंग से अपने माता पिता के साथ जिंदगी भी नहीं जी थी? आखिर उन अनाथ बच्चों का क्या होगा जो इस उम्मीद में थे कि उनके माता पिता जल्द ही घर लौट आएंगे? आखिर उन बच्चों के अनाथ होने की जिम्मेदारी कौन लेगा? सेंदुल के पास मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 32 साल का दिनेश और उसकी पत्नी हादसे का शिकार हो गए और अपने पीछे 7 साल और 5 साल के दो रोते बिलखते बच्चों को छोड़ गए। लेकिन हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हम लगातार घनसाली की बदहाल सड़कों की दास्तान आपको सुना रहे थे। बताया जा रहा है कि जहां पर हादसा हुआ है वहां पर पिछले 2 सालों से बैरिकेड टूटा हुआ था, जिसका विभाग संज्ञान नहीं ले रहा था। ये ठेकेदारों की है और इनकी विभाग की लापरवाही है। अगर वहां पे अगर वो बैरिकेड टूट गया था तो अगर सही कर देते तो शायद ये घटना न होती है। आज ये घटना इसलिए हुई यहाँ पे कि इनकी लापरवाही। उस स्थान पर जहाँ पर ये दुर्घटना घटी है उससे हम करीबन ज़्यादा से ज़्यादा 20 मीटर चम्याला की ओर हैं और स्थान जो है वो 20 मीटर पीछे है जहाँ पर दुर्घटना घटी है। वो लोकेशन अगर आप उसका चित्रांकन भी करेंगे तो 2.5 मीटर 3 मीटर से ज़्यादा जगह नहीं है। जो बैरिकेडिंग की गई है वो करीबन 2 साल से टूटी हुई है, डिपार्टमेंट ने उसका आज तक रिपेयर नहीं किया है। जबकि मोड़ कटान के लिए जियो से जो है पैसा मिला है, वो पैसा इन्होंने अपनी बंदर बांट में जो है बांट दिया है और जहां पैसा का खर्च होना था वहां खर्च नहीं किया गया है। आज वो परिवार अनाथ हो गया है, जिसके 2 बच्चे हैं उनको कोई पालने वाला नहीं है। इसी के विरोध में लोग भी सड़कों पर उतरे और अधिकारियों का घेराव किया गया। वहीं मौके पर पूर्व विधायक भीमलाल आर्य भी पहुंचे और धरने पर बैठ गए। मासूमों की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लापरवाही बंद करो, बंद करो। देखिए कल जो यहां पर बहुत दुखद घटना हुई है और उस दुखद घटना से पूरी तरह से यह क्षेत्र स्तब्ध है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि PWD की लापरवाही के कारण जो यहाँ पर हमारा ये मोड़ है इस पर क्रॉस बैरियर नहीं है और जो पुस्ता जो पहाड़ जो कटान होना था उस पहाड़ का कटान नहीं हुआ था। जबकि मैंने पिछली बार वित्तीय वर्ष 14-15 में भी हमने इसके लिए पैसा आवंटन किया था पुस्ता काटने के लिए और क्रॉस बैरियर के लिए भी पैसा मिला था पूरी रोड पर। और जो कल हमें ये जो देखने को बुरा दिन मिला है इसके लिए पूरी तरह PWD जिम्मेदार है और बड़ा दुखद है कि कल से ना तो यहाँ पर SDM आया है, ना PWD का एक्शन आया है, ना PWD का JE आया है, ना यही आया है। और अंततः जनता ने और हम सब ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि जब तक PWD के एक्शन यहाँ पर एट द स्पॉट पहाड़ कटान का कार्य और क्रॉस बैरियर नहीं प्रारंभ कर देते हैं तब तक ये जाम नहीं खुलने वाला है। क्षेत्र के तमाम प्रबुद्ध नागरिकगण, सामाजिक कार्यकर्तागण और महान जनता हम सब लोग एक साथ यहाँ पर बैठे हैं और उपजिलाधिकारी जो इस प्रगना के प्रशासन की ओर से मुखिया है वो भी अब तक 24 घंटा जो है घटना को घटित हो गया है वो भी यहाँ पर जनता के बीच नहीं आए हैं, मृतक आश्रितों को शोक संवेदना व्यक्त करने नहीं आए हैं। यह बड़ा दुखद विषय है और प्रशासन और PWD कितना लापरवाह है क्षेत्र के प्रति इस बात से जायजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जनता परेशान है और जाम में बैठी है। लेकिन हमारा ये संकल्प है कि जब तक एट द स्पॉट कार्य प्रारंभ नहीं हो जाता, मृतक आश्रितों के लिए प्रशासन जो है मुआवजे की घोषणा नहीं कर देता है तब तक हम अपना जाम समाप्त नहीं करेंगे और PWD की जो लचर और भ्रष्ट कार्यशैली है उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनके खिलाफ आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। हम इस तरह के जो हमारे क्षेत्र में आज शोक की लहर दौड़ी है, हम जो क्षेत्र की लहर दौड़ी है और क्षेत्र की जनता इन घटनाओं से स्तब्ध है और ये चार धाम यात्रा की दृष्टि से भी घनसाली और चमियाला बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। इस तरह से PWD लापरवाह है और PWD जब तक अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं लाता है, प्रशासन सुधार नहीं लाता है तब तक ये जाम जारी रहेगा और ये नैतिक जिम्मेदारी PWD की और प्रशासन की। तो क्या अब इस दर्दनाक हादसे पर लोक निर्माण विभाग कुछ बोलेगा या फिर सोया हुआ सिस्टम अभी भी सोया ही रहेगा? प्रॉपर वे में जो है क्यूब टेस्ट करवाएंगे और इसकी टेक्निकल जांच कराएंगे लैबोरेटरी में, इसकी सब जगह काम जो है गुणवत्ता के अनुसार। हद तो तब हो गई जब घटना स्थल पर सब लोग आए लेकिन लोक निर्माण विभाग का कोई भी अधिकारी वहां नहीं पहुंचा। हम देख रहे हैं कि घटना के बाद यहां पर प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि यहां पर नहीं आया। इस बार की रोष व्यक्त करते हुए हमें मजबूरन यहां पर खड़ा होना पड़ा, हम सड़क पे हैं। पिछले 1.5 वर्षों से ये पैराफिट टूटा हुआ है, उसको देखने के किसी को किसी ने नहीं उठाई, ना ही यहाँ एक्शन आया। साइड पे जेई को आना चाहिए था, विभाग के आदमियों को आना चाहिए था, कोई ऐसा जवाबदार अधिकारी तो यहाँ पहुँचा नहीं है। जबकि पूरा विभाग पहुँच चुका है, आम लोग आ चुके हैं, पर इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
सवाल ये है कि दुर्घटना में तो आज एक दंपति ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन हकीकत एक जगह की ये नहीं है, बल्कि ऐसे कई डेंजर जोन घनसाली की सड़कों पर हैं, जहां कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। लगातार संवाद 365 आपको घनसाली की सड़कों की दुर्दशा दिखाता रहा है, लेकिन बावजूद इसके सिर्फ जांच की बात तो कह दी जाती है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। संवाद 365 के लिए घनसाली से हर्ष उनियाल की रिपोर्ट।